नमस्कार। तो खुल गया है दोस्तों कलर्स की टीआरपी का राज। इस हफ्ते की अगर बात करूं तो कौन सी सीरियल कहां किस पोजीशन पर है, और अगर बात करें इश्क में मरजावा 2 या फिर बात करें शक्ति या फिर बात करें बिग बॉस या फिर बात करें नागिन 5 का, तो ये सीरियल कहां किस जगह स्टैंड लेकर खड़े हैं, टीआरपी चार्ट में कौन आगे गया है कौन पीछे गया है, और एक बड़ा ऐसा शो जो कि कंटिन्यूसली सेम टीआरपी पर आगे बढ़ रहा है। मैं राहुल भोज इस वीडियो में आपको सारी ही बातें बताऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं बिग बॉस की। जैसे कि मैंने आपको बिग बॉस की ऑलरेडी बताई थी कि बिग बॉस की जो टीआरपी है वो रिवील हो चुकी है। वीकडेज की जो टीआरपी आई है वो 1.1 आई है। लास्ट जो वीकडेज की टीआरपी आई थी वो 1.2 थी, एंड अगर बात करें तो वीकेंड की 1.8 है दोस्तों। लास्ट जो थी वो 2.1 थी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इश्क में मरजावा सीजन 2 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है दोस्तों, और इसमें जो टीआरपी आई है लास्ट वीक की टीआरपी थी 1.7 और इस हफ्ते की जो टीआरपी आई है वो आई है 1.6। जी हाँ दोस्तों, 1.6 यानी कि कम हुई है। यू हैव टू रियली नीड वर्क वेरी हार्ड ताकि आप अपने टीआरपी बढ़ा सकें। अब बात करते हैं दोस्तों छोटी सरदारनी की। छोटी सरदारनी ये एकमात्र ऐसा टेलीविजन शो है दोस्तों जो कि लास्ट ईयर से लेकर अब तक जो है हाई टीआरपी पे टीआरपी जो है अर्जित करता जा रहा है। मतलब इसमें जो एंगल आया है अभी इस वक्त, जो एक पुराना राज खुल गया है साइबेरिया का, ये सारी जो चीजें दिखा रहे हैं उसकी वजह से टीआरपी कंटिन्यूसली बनी हुई है। दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है ये। टीआरपी की अगर मैं बात करूँ लास्ट वीक की तो 2.1 थी, इस हफ्ते की जो है वो भी 2.1 है दोस्तों, तो कोई भी फर्क नहीं आया है। वहीं मैं बात करता हूँ दोस्तों शक्ति की। शक्ति जिसकी मेन लीड तो घर के अंदर बैठी हुई है यानी कि रुबीना, लेकिन दोस्तों टीआरपी के मामले में लास्ट वीक जो था 1.9 था और इस हफ्ते जो है कम हुआ है, 1.8 हुआ है। क्या रीजन है जो कि छोटी सरदारनी को छोड़ के बाकी सब गिर रहे हैं धड़ाम से। वहीं दोस्तों बात करें बैरिस्टर बाबू जिसमें कि एक नया एंगल आया है, सिर्फ इसमें एक टीआरपी जो है बड़ा है। जो वो जो कोठे का एंगल आया है, जिस तरीके से वो जो लड़का है वो हमारी छोटी सी प्यारी सी लड़की को ढूंढने के लिए गया है, सो उसकी वजह से टीआरपी ने जंप मारा है। 1.9 की जो टीआरपी थी लास्ट वीक की, इस हफ्ते 2.0 है। इट्स लाइक ओएमजी। तो मतलब मेकर्स को कुछ इसी तरीके से अटपटा सा प्लॉट और ट्विस्ट जो है डालना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिंजरा दोस्तों। पिंजरा की अगर मैं बात करूं तो पिंजरा खूबसूरती का वो रिमेन सेम है। लास्ट वीक भी 1.2 थी, इस वक्त भी 1.2 ही है। अब ये किस तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे हमें नहीं पता। दोस्तों अगर बात करें नागिन की भी, चलिए बात कर ही लेते हैं नागिन 5 की, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बानी और वीर, ये इनका लव एंगल चल रहा है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, मोरनी आ गई है, चील आ गई है, ये सारी चीजें। सो ऐसे में दोस्तों वीकेंड की मैं बात करता हूँ, बिग बॉस के कंपैरिजन में कम टीआरपी आई है। लास्ट वीक 1.9 थी और इस वीक जो है 1.6 है। सो दिस इज द टीआरपी फंडा ऑफ कलर्स। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनमें से कौन सा सीरियल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो भी जरूर बताएं। टेक केयर, चलता हूँ, कमेंट अवश्य करें, नया हूँ चैनल में तो सपोर्ट करें। थैंक यू।